But there is something inside you that is stopping you from doing it, and that is inna nafsa la ammaratum bisu. Tera nafs napak hai, ghaleez hai, ganda hai, bigda hua hai, belagam ghode ki tarah hai, aur wo kabhi bhi tujhe achhi baat nahi karega. In the layl or nahar, in the thick and thin, in long and short, in every facet of human life, tera nafs tujhe kabhi achhi baat nahi kar sakta. And who's the nafs? You and me. Is nafs ko अच्छी बात ना पसंद है, ना इस नफ्स को अच्छी बात करना पसंद है, ना सुनना पसंद है. इस नफ्स को कुछ और पसंद है, इसलिए इसको ट्रेन करना पड़ता. आई मिस समथिंग इन माई लाइफ. देर इज अ वैक्यूम बिटवीन मी एंड रियालिटी. देर इज अ बिग फैंटेसी आइलैंड आई एम लिविंग इन, एंड इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट पीस एंड कैरेट्स. जिंदगी में किस कुछ चीजों में कुछ बिगाड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा. मेरा अंदर का आप मुझे समझ नहीं आ रहा. मेरी मोहब्बत मुझे समझ में नहीं आता. मेरा इश्क मुझे समझ नहीं आता. मेरा गुस्सा मुझे समझ में नहीं आता. मेरा गम मुझे समझ में नहीं आता. मेरी होप मुझे समझ नहीं आती. अर्रजा, मेरी उम्मीद मुझे समझ में नहीं आती. गसब, मुझे अपना बुगस समझ में नहीं आता. आई डोंट अंडरस्टैंड हेट. आई डोंट अंडरस्टैंड ट्रस्ट. I don't understand tawakkul. I don't understand itimad. I don't understand my fear, my khauf, my khashiyat. Ye mujhe samajh nahi aa raha ye chal kya raha hai meri zindagi mein ya duniya mein kya ho raha hai. It is because your nafs is the biggest enemy against you. Wo aapko samajh nahi dene dega. He will never let you understand the truth. Nafs hates the truth. Insaan ka nafs नफरत करता है हक बात को सुनने से. ही हेट्स इट लाइक एनी, नॉट हिज फितरा, नॉट हिज नेचर. इंसान की फितरत कभी भी हक को डिनाई नहीं करती. इंसान की अकल कभी भी हक को डिनाई नहीं करेगी. इंसान की अंदर का गम कभी भी सच को डिनाई नहीं करेगा. मगर जो चीज इंसान के अंदर एक और एलिमेंट उसकी क्रिएशन में मौजूद है, योर नफ्स विल नेवर वांट टू लिसन टू द ट्रूथ. इट ऑलवेज ऑलवेज वांट समथिंग द नफ्स लाइक. योर नफ्स लाइक समथिंग एल्स एंड माय नफ्स लाइक समथिंग एल्स. तारीफ इसलिए मेरी है, मैंने बनाया था. नफ्स जब ये स्टैंडर्ड पोजीशन लेता है ना कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, तो सुकून नहीं हो सकता इसकी थिंकिंग. ये जो इतने बड़े माइंडसेट को हम हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि वो पहले वो द जर्नी टू बी ह्यूमन एंड द जर्नी टू बी स्लेव. इंसान बनने के लिए इस नफ्स को ये कहना पड़ेगा, आई एम नॉट गॉड, मैं अल्लाह नहीं, मैं इंसान. इसलिए इसको मैं का दरवाजा छोड़ना पड़ेगा, मैं का स्टेशन छोड़ना पड़ेगा, मैं का दर्जा छोड़ना पड़ेगा. ये मदारे जो उसे कवर करना पड़ेगा कि वो मैं छोड़े, कि मैं कोई चीज. नफ्स को मैं बड़ी पसंद. मैं जो है ना, सच सुनने नहीं देगा बेटा. और सच सुने बगैर ह्यूमन थिंकिंग सुकून नहीं पा सकती, और सुकून के बगैर हरकत रुकेगी नहीं, और हरकत की सेटलमेंट के बगैर ग्रोथ हो नहीं सकती, और ग्रोथ के बगैर आप तकलीफों और डिस्टर्बेंसेस और डिप्रेशन के वतन से आजाद नहीं हो सकते. और ये हिजरत अगर आपके दिल ने नहीं की, आप चख भी नहीं सकते स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत और तस्किया. वन ऑफ द बिगेस्ट हदीस द इन द बाब ऑफ निया, इन द बाब ऑफ इंटेंशनल, इन द बाब ऑफ कुवत इरादा इज, तीन लोग जो पहले जहन्नम में जाएंगे वो कौन है? उनका नफ्स डॉज कर गया. अल्लाह बोलेंगे क्या किया मेरे लिए? अल्लाह, मैंने तेरी राह में बड़ा दीन फैला, बहुत कोर्सेस कराए मैंने, बड़ा कुरान हदीस पढ़ा. कज़ब था, यू आर अ बिग लायर. ये तो तू अपने नफ्स को सैटिस्फाई कर रहा था कि लोग मान लें कि तू कोई बहुत आला किस्म की तकरीर कर सकता है, लोग मान लें कि तू कोई बहुत बड़ा अल्लामा था, मुज्तहिद था, फकीर था, शेख था तू बहुत बड़ा. दूसरा आएगा, तूने क्या किया मेरी राह के?
मैंने अल्लाह तेरी राह में इतना जिहाद किया, मैं जिहाद कर करके मैं शहीद हो गया तेरे, कज़ब था, यू आर अ बिग लायर। तूने अपनी नफ्स को सेटिस्फाई किया जिसे मैं पसंद थी, जिसे फखर पसंद था, जिसे किबर पसंद था मेरे मुकाबले में। तूने मखलूक के सामने अपने आप को बड़ा सामने बड़ा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, तू अल्लाह के कलमे को बड़ा करने की कहा कोशिश कर रहा था, तू तो सुकून तलाश कर रहा था अपनी इबादत की। यू आर वर्शिपिंग योर ओन नफ्स, इला बना चुका था तू अपनी नफ्स को, तू चाहता था लोग मान के तू बहुत बड़ा फाइटर है, इसलिए तो तू जिहाद की बातें करता था बहुत ज्यादा, इसलिए तो तू लड़ाइयों के बड़े बड़े तस्करे करता था, तुझे दिखाना था लोगों को कि तू कितना बड़ा लड़ाकू है, कज़ब था, जहन्नम में डालता था। अल्लाह के लिए थोड़ी था वो। तीसरा आएगा एंड अल्लाह विल आस्क हिम, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट डिड यू डू, अल्लाह मैंने तेरी राह में इतना पैसा दिया, अंबार लगा दिए खैरात के, सदकात के, ज़कात के, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अल्लाह कहेंगे कज़ब था, झूठा है तू, यू डिड दिस बिकॉज पीपल वुड नो, देखें जी वो फलां जो है ना वो बहुत देते हैं अल्लाह की राह, वहां भी तू अपने नफ्स को बड़ा कर रहा था, तू अल्लाह को काम बड़ा मान रहा था। नफ्स मेरे भाई ये इतना बड़ा डिसेप्टर है, ये आने नहीं देगा आपको इन बातों की तरफ जहां हम कोशिश कर रहे हैं आपको लाने की। इतनी सी जगह चाहिए मुझे दफन होने के लिए भी, और इतनी जगह चाहिए सजदा करने की। मेरे भाई एक मुसल्ले की जितनी जगह में दफन होना है, एक मुसल्ले की जितनी जिंदगी के अंदर इत्मीनान मिले, एक मुसल्ला है मेरे भाई सुकून के लिए। ये बड़ी बड़ी 22-50 फ्लोर्स के स्काई स्क्रेपर्स नहीं है दैट्स गोना गिव यू हैप्पीनेस। मैं बुर्ज खलीफा का गोल्डन फ्लोर घूम के आ गया हूँ, नो इट्स नॉट गोना डू एनी गुड टू योर हार्ट, योर थिंकिंग, योर माइंडसेट, एंड दीस बेंटलीज एंड दीस रोल्स रॉयसेस एंड ऑल दीस पातेक फिलिप्स एंड दीस पॉल सिलेरीज एंड ज़ारास एंड अरमानीज एंड गुचीज आर नॉट गोना डू नो गुड टू योर हार्ट। अब अपने आप से पूछें, यू स्टिल अ जंपर, यू स्टिल फाइंडिंग अ क्लिफ टू जंप, थिंकिंग you know, thinking a fantasy island, a Disney movie is going to work in your life, it's not going to happen. I'm giving you a reality check. There aren't going to be any roses falling from the skies, and there's no going to be violence and saxophone ringing bells and Santa Claus coming and life getting better. No, that ain't happening, dude. That ain't happening in your life. What is happening is reality check, and you're not taking it. You don't want your thinking to come out of the Bollywood and the Hollywood and the sci-fis and the hi-fis. क्यों? पहला लेक्चर, ये खराब हो जाए ना, ये खराब हो जाए ना, ये आसानी से वापस, मैं पसंद है इसको, फखर पसंद है इसको, किबर पसंद है इसे, तकबर पसंद है इसे, बकवासियत पसंद है इसे, वल्गैरिटी इसे, खलासत इसे, कचरे में डाल दें ये खुश होता है। फितरत, खूबसूरती, कमाल, जमाल, तौहीद, सुन्नत, इसको पसंद करते। फितरत का गला नफ्स ही तो घोंट रहा होता है, फितरत भी मार देता है ये नफ्स जाके, अकल के भी गले घोंट देता है ये, ख्वाबों के भी ताबीर ये अपनी तरफ से खुद कर लेगा, ये खुद इमाम बन जाता है एक टाइम पर। पांच चीजें तुझे कंसिस्टेंटली कह रही थी, अकल कह रही थी, फितरत कह रही थी, आपकी आपकी ड्रीम्स आपको कह रही थी, इल्हाम फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, ये किसी की तूने आवाज नहीं सुनी। तुझे 50 सालों में कभी आवाज नहीं आई अंदर से कि तेरा नफ्स एक बहुत बड़ा किस्म का धोखेबाज, मुतकब्बिर, मैं से लोडेड, कंटेमिनेटेड, पोल्यूटेड हार्ट है तेरा, मगर तू सुनता गया, सजदे करता रहा, अपनी सोच को करता रहा, यू जस्ट केप्ट वर्शिपिंग योरसेल्फ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन थिंकिंग एंड एनहांसमेंट एंड रेजिंग योरसेल्फ टू द लेवल्स ऑफ औलिया ऑफ अल्लाह, नो दैट इन हैपनिंग।